हेलो स्टूडेंट, देखिए हम एमएससी का अगला टॉपिक कर रहे हैं। वोर्टेक्स ऑफ सर्कुलेशन 2πk किस पे है? वो रेस्ट पे। वो पॉइंट क्या है? जेड इक्वल टू एन ए, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी। इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्लेन, वो प्लेन की प्रेजेंस में लिया गया है। सर्कुलर इम्प्रीमेबल बाउंड्री, और इसमें मोड ऑफ जेड किसके बराबर है? यहाँ पे ए के। तो अराउंड विच देयर इज ए सर्कुलेशन क्या है? 2πλk। तो हमें शो करना है जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आएगी 1/(n²-1)। और ये शो करना है वहाँ पे दो स्टैग्नेशन पॉइंट, का मतलब जहाँ पे लिक्विड रुका हुआ है वो बताने हैं सर्कुलेशन बाउंड्री पे। और जेड की वैल्यू क्या है? ए ई की पावर आयोटा थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा गया है ये। और सिमेट्रिकली प्लेसड अबाउट द रियल एक्सिस के अबाउट ये रखा गया है क्वाड्रेंट्स के अंदर, जो कि वोर्टेक्स के क्या है? नियर। और गिवन बाय, इसने दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर 3n²-1 डिवाइड में 2n³। और हमें प्रूव करना है कि थीटा क्या है? रियल। देखिए हम इसको करेंगे कैसे। देखिए अब हमें दे रखा है सर्कुलेशन ऑफ वोर्टेक्स कितनी है? 2πk। और स्ट्रेंथ वोर्टेक्स की क्या होती है? हमेशा k। आगे देखिए इसको। नाउ देखिए, अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है इज ड्यू टू वोर्टेक्स, इसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ जेड आयोटा के लॉग ऑफ, क्योंकि जेड इक्वल टू एन ए पॉइंट पर रखना है, इधर आया तो माइनस का है ना। और एक बार इसका कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, क्या ले लिया? कॉन्जुगेट। जैसे मैं कॉन्जुगेट लूँगी, जो आयोटा है उसकी जगह निशान क्या हो गया? चेंज, निशान चेंज हो गया। और क्या है? लॉग ऑफ जेड माइनस एन ए। अब हमने क्या किया? जेड की जगह पुट कर दिया ए स्क्वायर बाय जेड, क्योंकि वो पॉइंट होता है। माइनस आयोटा के लॉग ऑफ जेड की जगह पुट कर दिया ए स्क्वायर बाय जेड माइनस का एन ए। अब देखिए हमें आगे क्या गिवन है, हमें आगे गिवन है जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है व्हेन द सर्कुलर सिलेंडर जेड इक्वल टू ए इंट्रोड्यूस करना है फ्लूड में बिकम्स, वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बन जाता है? एफ जेड प्लस में एफ कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय जेड बन जाता है। तो सर्कल थ्योरम क्या कहती है? एक सर्कुलेशन हमें पता ही है 2πλk है, ये हमें गिवन था अराउंड द सिलेंडर। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? लाइन वोर्टेक्स एट जेड बराबर जीरो पे। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है? लैम्डा के। ये सब हमें गिवन है। नाउ टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू बराबर क्या है? आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस एन ए, क्योंकि जेड इक्वल टू एन ए है। और एक बार जेड की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर बाय जेड माइनस एन ए। और प्लस में आयोटा लैम्डा के, ये हमें वैल्यू इधर रखी है। और लॉग ऑफ जेड, देखो आयोटा सबके साथ हम लगाते हैं और लॉग ऑफ उसका पॉइंट का लिख देते हैं। ये जेड बराबर जीरो पे था है ना, तो लॉग ऑफ जेड हुआ। अब सब में आयोटा के क्या आ गया? देखिए आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस एन ए माइनस आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस ए बटे में एन। हमने इस, देखो इसको कैसे किया है, इधर देखिए मुझे एक बार बताइए। ए स्क्वायर बटे में जेड, देखिए इसको लिख दिए ए स्क्वायर बटे में जेड बराबर क्या है यहाँ से? एन ए है ना। तो अब अगर जेड उधर से गुना किया तो ए स्क्वायर बराबर जेड एन ए। अब एक ए से ए कैंसिल, तो ए बटे में एन, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? ए बाय एन, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। और यहाँ से क्या लिख सकते हो? जेड माइनस एन ए बाई एन बराबर जीरो, देखिए ये पुट हो गया। और माइनस का प्लस में आयोटा लैम्डा के लॉग जेड, ये एज इट इज है। प्लस में आयोटा के लॉग जेड प्लस कॉन्स्टेंट, ये हम इसको लिखेंगे सर्कल थ्योरम में, हम इस तरीके से इसको सेपरेट कर लेंगे। कर लिया ही हमने। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस एन ए माइनस आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस ए बाई एन। देखिए दोनों में आयोटा के ले लिया कॉमन ले लिया, और लॉग जेड भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचा लैम्डा और उस पूरे की जगह वन, लैम्डा प्लस वन हो गया। प्लस में क्या है? कॉन्स्टेंट। अब आयोटा के लॉग ऑफ, देखिए ये हमें गिवन था। अब इसे क्या कहा है? दिस इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू वोर्टेक्स, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है के पर एट जेड इक्वल टू एन ए माइनस के एट, देखो जेड इक्वल टू ए बाई एन पे है, और लैम्डा प्लस वन इंटू के एट जेड बराबर जीरो पे है। तो ये हमने पॉइंट दे रखा है जेड इक्वल टू जीरो पे, जेड इक्वल टू ए बाई एन और जेड इक्वल टू एन ए, ये दे रखा है। अब देखो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ड्यू टू मोशन ऑफ अदर टू वर्टिसेज की वजह से आएगी। देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में माइनस का कंपोनेंट होता है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड। डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का हम जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, वो वेलोसिटी फैक्टर होता है। मुझे बताइए लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/। तो देखिए हमारे पास ये रकम थी, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/। देखिए ये हमारे पास आयोटा के एज इट इज है ना, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/। तो ये 1/ चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे का रखा मैंने आयोटा के, यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/ में, तो जेड माइनस एन ए माइनस का आयोटा के, इसका भी डेरिवेटिव 1/ में, तो जेड माइनस ए बाई एन प्लस में आयोटा के इंटू में लैम्डा प्लस वन है, लॉग जेड का डेरिवेटिव 1/z, ये हो गया। और अब देखिए
और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, वो हो गया खत्म पुट। अब इसमें जेड की जगह पुट करा एन ए, जैसे मैं जेड की जगह एन ए पुट करूँगी तो पहली वाली टर्म तो क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो अब बाकी दो टर्म बच गई, तो उसमें जेड की जगह एन ए पुट कर दिया, देखो जेड की जगह एन ए, यहाँ पे भी जेड की जगह एन ए, बाकी रकम क्या है, एज इट इज। आगे देखिए, अब हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एंड पुट जेड इक्वल टू ए एन एक्सक्लूडिंग, देखिए ये वही बात कह रखी है जो मैंने आपको अभी बताई थी। अब आगे इसको हमने सोल आउट कर रखा है, देखिए यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू बाई डी जेड करा, उसको जीरो के बराबर रखा, तो यहाँ पे के इंटू लैम्डा प्लस वन एन ए माइनस के इंटू में एन एन ए माइनस ए बाई एन बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए ये माइनस की रकम उधर जाके क्या बन गई, प्लस की, तो यहाँ पे क्या किया, इसको इंटरचेंज कर लिया हमने के से, तो के क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, इंटरचेंज करके हमने जब सोल्व किया तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन, क्या आ गई, वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू यही प्रूव करनी थी हमें। अब देखिए, अब जेड को क्या पुट करेंगे, ए ई की पावर आइटा थीटा पुट करेंगे, हमें दिखाना है ना वो रियल है। अच्छा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या आएगा, आयोटा के, और ई की पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, वो का वो ई की पावर आयोटा थीटा है ना। तो अब इसने क्या कर रखा है, वहाँ पे सब जगह जेड की जगह वैल्यू पुट कर रखी है ए ई की पावर आयोटा थीटा का पुट करके, जो हमारी इक्वेशन थी देखिए यहाँ पर है ना, जेड की जगह ए ई की पावर आयोटा थीटा, जेड की जगह ए ई की पावर आयोटा थीटा, देखो पुट हो गई यहाँ पर, पुट हो गई। फिर उसके बाद इसको क्या कर रखा है, सिंप्लीफाई, देखिए जैसे हमने फर्स्ट टर्म निकाली, फर्स्ट टर्म देखिए वन अपॉन में जेड माइनस एन ए है, वन अपॉन जेड की जगह पुट कर दी ए ई की पावर आयोटा थीटा माइनस के एन ए, अब ए बाहर, ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, माइनस का एन ए क्या है, बाहर, ए को देखिए ये है पूरे में ए कॉमन ले लिया, ले लिया तो यहाँ पे ओनली माइनस का एन बचा। अब देखिए क्या कर रखा है आगे, इसका क्या कर रखा है, रेसलाइजेशन है ना, तो ये कोस थीटा माइनस एन अलग है और जो आयोटा वाला है आयोटा साइन थीटा उसकी जगह माइनस आयोटा साइन थीटा करके हमने रेसलाइजेशन करा, रेसलाइजेशन किया तो ऊपर वाली रकम एज इट इज, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस थीटा माइनस एन तो ए है उसका स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो ये बन जाएगा प्लस का, देखिए एक एक टर्म देखिए, यह कोस थीटा माइनस का एन माइनस का आयोटा साइन थीटा, ये क्या है आयोटा साइन थीटा, और ये क्या है ए, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता ही ये वैल्यू क्या होती है वन, तो यहाँ पे बन गया वन प्लस एन स्क्वायर माइनस टू टू एन कोस थीटा, ये हमारा आ गया। इसी तरीके से इसने थर्ड टर्म को उतार लिया, देखिए थर्ड टर्म क्या है, लैम्डा प्लस वन बाई जेड, लैम्डा प्लस वन जेड की जगह पुट कर दिया ए ई की पावर आयोटा थीटा, लैम्डा प्लस वन ए कोस आयोटा थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसका रेसलाइजेशन कर लिया, कर लिया। अब ऊपर वाली रकम एज इट इज, नीचे वाला ए बाहर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, प्लस बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे लैम्डा प्लस वन है, लैम्डा प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या थी वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन है ना, वो पुट कर देना और प्लस वन करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से सेकंड टर्म उतारी हमने, क्या उतारी, जो इसकी सेकंड टर्म थी, ठीक है, सेकंड टर्म में जेड की जगह वैल्यू पुट करी तो वही कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा माइनस वन बाई एन, वन बाई ए बाहर है इसका रेसलाइजेशन कर दे, कोस थीटा माइनस वन बाई एन एज इट इज, आयोटा की जगह माइनस का आयोटा आ जाएगा और वही ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर नीचे खुल जाएगा, देखिए खुलेगा, खुलने के बाद हमने इसको देखो सबसे ऊपर सोल्व कर रखा था जब आपने देखा था, देखिए तो ये आप खुद सोल्व करना, स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लेना, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, आगे जब इसने वैल्यू पुट करी है, देखिए वैल्यू जब इसने पुट करी है तो हमारे पास ये रकम बचेगी, एक तो हमारे पास बचेगी, एक तो हमारे पास ये बच गई, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, आ गई। तो द स्टैग्नेंट पॉइंट ऑन द सर्कल इफ एनी आर गिवन बाय, स्टैग्नेंट पॉइंट कैसे दिए जाते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड को जीरो के बराबर रखते हैं और जेड क्या होता है ए ई की पावर आयोटा थीटा पुट किया तो नीचे वाली रकम भी जीरो और ये वाली भी जीरो, तो सिर्फ ऊपर वाली बची, टू एन की क्यूब कोस थीटा माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या आ गया, जीरो। अब देखो ये किस में बन गई, एन में क्यूबिक इक्वेशन बन गई है ना, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये प्लस की रकम उधर, ये माइनस की रकम उधर जाके प्लस की और प्लस की माइनस की और ये डिवाइड में चला जाएगा, चला गया।
अब हम जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन के बीच में क्या करती है, लाई। तो और इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू वन होती है। तो राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड विल लाई विद इन दीज लिमिट्स, लाई करेगी। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में, इसको हमने सेपरेट कर दिया, 3n स्क्वायर के नीचे 2n के क्यूब लिखा, तो एक n बचेगा नीचे 1 अपॉन में 2n के क्यूब। अब देखिए, अब हमने 1 पुट करके देखा इसमें, क्योंकि 1 पे लाई करती है ना, 1 पुट करके देखा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। कैसे 1 पुट किया, 3 2 गुना में 1, 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, डेढ़ में से आधा गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दिया, माइनस के 3 2 बटे 3 बटे 2 बार एन की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 बटे एन स्क्वायर होता है। ऐसे ही एन की पावर माइनस 3 का माइनस 1 अपॉन में एन की 4 होता है, तो ये प्लस हो गया माइनस माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या 3 और डिवाइड में एन स्क्वायर, और बट मतलब इसमें कॉमन ले लिया 3 बटे 2 और एन स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 प्लस में 1 अपॉन में एन का स्क्वायर। फिर हमने ले लिया एलसीएम, देखिए 3 बाई 2 एन स्क्वायर, एलसीएम लिया एन स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या एन स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारी ये रकम आ गई। और हम 1 माइनस एन स्क्वायर है, हमें पता है अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है, एन की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 मान लो 1 से बड़ी 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 4 गया तो माइनस के 3, नेगेटिव आ गई ना, है ना। आगे देखिए, तो फ्रॉम हियर हमने क्या नोट किया, वी नोट डेट एफ डैश एन लेस देन 1 है जब एन बढ़ाए क्या 1 से, तो एफ एन बढ़ाए 1 से तो एफ एन डिक्रीज कर रहा है ना मोनोटिकली, तो एन से 0 तक, सो एन बढ़ाए 1 से, तो रियल वैल्यू थीटा ऑब्टेंड हो रही है, तो टू डिस्टिंक्ट ऑफ थीटा ऑब्टेंड हुई एन ग्रेटर देन 1 से, जब अल्फा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, और थीटा जब है 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा का पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसे इससे को 2 पाई माइनस अल्फा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगल एंड डबल इनफाइनाइट रो ऑफ वोर्टिसिज क्या होती है। देखिए, जब एक बॉडी मूव कर रही है स्लोवली किसी लिक्विड में से, रो ऑफ वोर्टिसिज आर समटाइम्स फॉर्म्ड, तो वोर्टिसिज फॉर्म हो जाती है। ये जो वोर्टिस है वैन स्टेबल होती है तो उसको फोटोग्राफी की जाती है। हियर वी कंसिडर इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइन वोर्टिसिज देखेंगे और टू डायमेंशनल फ्लो देखेंगे। देखिए अगला देखा है सिंगल इनफाइनाइट रो ऑफ वोर्टिसिज, इसमें देखिए इसमें क्या क्या रखा है, वी शैल फाइंड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ एन इनफाइनाइट रो ऑफ पैरेलल रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स, एक की स्ट्रेंथ क्या है के, और एक दोनों किस डिस्टेंस पे ए अपार्ट, देखिए बहुत सारी इधर क्या ए ए दूरी पर है, देखिए सभी है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो जड़ की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस एन ए, और एन जीरो से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक ले रखा है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, आयोटा के लोग ऑफ जड़ बार, क्योंकि नेगेटिव के लिए जड़ बार, आयोटा के लोग ऑफ जड़ माइनस ए, आयोटा के लोग ऑफ जड़ माइनस टू ए, देखो जड़ माइनस ए ये क्या है, आयोटा के लोग ऑफ जड़ माइनस टू ए, ऐसे करते करते एन ए तक, ऐसे ही हम नेगेटिव वाली को ले लेंगे, माइनस का एक की जगह प्लस ए, क्योंकि जड़ माइनस माइनस का टू ए प्लस के टू ए हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सबको लिख दिया, आयोटा के सब में कॉमन, तो लोग जड़ बाहर। अब ये बताइए जड़ माइनस ए और जड़ प्लस ए तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जड़ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसे ही अगला जड़ का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से हम एन स्क्वायर तक ले जाएंगे। अब आयोटा के लोग ऑफ पाई जड़ बाय ए है, देखिए मैंने यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगा रखा है, देखिए इसमें क्या किया हमने ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बना 1 माइनस जड़ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसमें भी 2 स्क्वायर और ए स्क्वायर से गुना और भाग कर दिया, देखिए कर रखा है हमने कर रखा है, तो यहाँ से ये बना लोग पाई जड़ बाय ए, क्या बन जाएगा फिर ये लोग पाई जड़ बाय ए प्लस में आयोटा के, देखिए ये वाली रकम अलग है, लोग ए बटे में पाई माइनस वन की पावर एन, ए की दो, दो की दो, तो हमने क्या किया इनमें ये कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर हमने ये फॉर्मूला खोला है, देखिए फॉर्मूला क्या खुला है, लोग एम एन बराबर क्या होता है लोग एम प्लस लोग एन, तो ये हमारा फॉर्मूला खुल गया। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखवा भी रखा था कि लोग वन माइनस एक्स है ना, लोग वन माइनस एक्स क्या होता है एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स की क्यूब बाई थ्री प्लस में एक्स की फोर बाई फोर, ऐसे करते होता है, तो वन माइनस एक्स का फॉर्मूला ये, तो लोग ऑफ वन माइनस एक्स, तो ये हमने फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉन्स्टेंट हमको इग्नोर कर दिया, और पाई जेड बाई ए को हमने थीटा पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया थीटा। अब देखो इसमें एक बात याद रखना, हम
ए से गुणा और ए से भाग करेंगे, इसमें क्या करेंगे ए से गुणा और ए से भाग, है ना, तो जड़ बटे में ए और ए से गुणा भी करेंगे, तो लोग एम इंटू एन, ए से गुणा ए से भाग किया तो लोग एम इंटू एन, हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब देखिए अभी हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह में थीटा पुट करना है, तो आयोटा के तो हमारा क्या है बाहर, लोग थीटा वन माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, देखिए है ना, थीटा स्क्वायर डिवाइड में एम स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मेरा इस तरीके से पुट हो जाएगा, ये टू स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा चलता जाएगा। जैसे ही एन इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो डब्ल्यू बराबर आयोटा के लोग ऑफ, ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, साइन थीटा का, ठीक है, तो आयोटा के लोग ऑफ साइन तो ये पुट किया थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, देखिए ये वाली क्या वैल्यू है, ये पाई जड़ बाय ए, क्या वैल्यू है पाई जड़ बाय ए पुट कर दी। नेक्स्ट हमारा, अब हमने देखा जो वेलोसिटी है वो टैक्स की एट ओरिजन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई डी जड़ डब्ल्यू माइनस आयोटा के लोग जड़ जड़ बराबर जीरो पे, तो माइनस डी बाई डी जड़, देखो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, आयोटा के लोग ऑफ साइन पाई बाई जड़, और ये हमारे पास वैल्यू है, दोनों में क्या किया देखिए इसका क्या कर रखा है हमने डेरिवेटिव, तो देखिए आयोटा के बाहर जैसे ले लीजिए, ले लिया आयोटा के बाहर और आगे बार क्या है माइनस लिख लिया, और लोग का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, माइनस आयोटा के तो हमने ले लिया कॉमन, है ना, तो डी बाई डी जेड किसका करेंगे, लोग ऑफ साइन पाई जेड बाई ए माइनस के लोग जेड इसका करेंगे, देखिए माइनस के आयोटा के बाहर, मेरे को बताइए लोग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में साइन पाई जेड अपॉन में ए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस पाई जेड बाई ए, और इस पाई जेड बाई ए का डेरिवेटिव पाई बटे में ए, माइनस का लोग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई जेड, ठीक है, अब ये क्या है ऊपर कोस है, कोस बाई साइन क्या होता है कोट, तो देखिए ये कोट बन जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा आ चुका है देखिए सेम, और जेड बराबर जीरो पे पुट करना है हमें फिर, देखिए तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगी, जेड अगर नीचे जीरो होगा तो क्या आ जाएगी अनडिटरमाइंड फॉर्म, तो वोर्टिसज एट जेड बराबर जीरो पे क्या होगी जीरो, सिमिलरली अदर वोर्टिसज किस पे रेस पे, तो इनफाइनाइट रो ऑफ वोर्टिसज डज नॉट इंड्यूज एनी वेलोसिटी बाय इटसेल्फ, तो कोई वो वेलोसिटी नहीं रखेगा, तो जो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूड अदर देन वोर्टिसज इज गिवन बाय, तो क्यू का फॉर्मूला क्या है यू माइनस आयोटा वी, उसको लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो हम क्या करेंगे इसका जो डेरिवेटिव आया था उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया साइन कोट कोस बाई साइन क्या बन गया कोट, देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने, वन बाई जेड को तो हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे डिफाइन नहीं है, देखो भाई अब हमारे पास आयोटा के, अब हम जेड की जगह पुट कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, कोस और ये साइन ऐसे सेपरेट कर दिया, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, देखिए कोस ए प्लस बी तो क्या फॉर्मूला बन जाता है कोस ए बी का, टू कोस ए और कोस बी, है ना, इसी तरीके से नीचे हमने क्या किया, सॉरी ये सेम ही है, हमने साइन पाई बाय ए एक्स माइनस आयोटा वाई से गुना और भाग किया है, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, तो टू कोस ए साइन बी साइन सी माइनस डी का है, और जब दोनों में साइन में होते हैं तो कोस सी माइनस डी का है, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब हमारे पास ये क्या है आयोटा के पाई बाय ए और ये क्या है साइन टू पाई एक्स बाय ए माइनस, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया हमने हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद अब हमने कंपैरिजन कर दिया रियल पार्ट यू आएगा और इमेजिनरी पार्ट वी आएगा क्योंकि ये यू माइनस आयोटा वी के इक्वल थे, ये कर दिया। अब डब्ल्यू बराबर क्या था थीटा प्लस में आयोटा साई, ये था, ये क्या है आयोटा पाई जेड बाय ए और हमने फिर आगे वैल्यू पुट कर दी, देखिए वैल्यू पुट करी तो ये डब्लू देखो थीटा प्लस में आयोटा साई थीटा माइनस आयोटा साई मतलब डब्लू में से डब्लू बार को घटाया घटाया डब्लू की वैल्यू पुट कर दी डब्लू बार की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए साई फाई से साई फाई माइनस साई फाई से फाई कैंसिल ये दोनों जुड़ जाएंगे टू टू आयोटा फाई हो गए और आयोटा के लोग ऑफ आयोटा के कॉमन लोग ये क्या बनेंगे साइन पाई जड़ बाई ए माइनस का लोग साइन पाई जड़ बाई ए है ना तो लोग दोनों में कॉमन और ये बटे में आ जाएंगे है ना इस तरीके से आ गया हमारा ये लोग एम प्लस एन का रूल लगा दिया लोग एम प्लस में लोग एन क्या रूल लगा दिया लोग एम इंटू एन तो हमने देखा जो साई है आयोटा से आयोटा कैंसिल
और ये बटे में दो चलेगा। हमने देखा साई क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये किसके बराबर है, हाइपरबोलिक जो हमारा आया था उसके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।